बहनों और भाइयों, मैं आपका पुराना रेडियो दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। इन लाइनों से आपको कुछ याद आया? जी हाँ, हम आज पॉपुलर रेडियो सेंसेशन प्रेजेंटर अमीन सयानी की बात कर रहे हैं। रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले अमीन सयानी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर ने उनके सभी फैंस को झकझोर कर रख दिया है, तो उनकी कुछ कहानियां किससे फैंस याद कर रहे हैं। अपनी आवाज के धनी अमीन एक समय पर इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनके पास बॉलीवुड के बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के लिए भी समय नहीं था। दरअसल मल्टी टैलेंटेड रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी, जो अपने नए शो सितारों की जवानियां के साथ रेडियो पर वापस आए और उस दौर का जिक्र करते हुए पूरी कहानी सुनाई, उन्होंने बताया था कि उनके पास बिग बी से मिलने का समय नहीं था, क्योंकि अभिनेता ने वॉइस ऑडिशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। अमीन ने इंटरव्यू में कहा, ये 60 के दशक की बात है जब मैं एक हफ्ते में 20 शो किया करता था। दिन के ज्यादातर समय साउंड स्टूडियो में बंद रहता था, क्योंकि मैं रेडियो प्रोग्रामिंग की हर प्रोसेस में शामिल था। एक दिन अमिताभ बच्चन नाम का एक युवक वॉइस ऑडिशन के लिए बिना अपॉइंटमेंट के चला आया। मेरे पास इस दुबले पतले आदमी के लिए एक सेकंड का भी समय नहीं था। वह इंतजार करता रहा और चला गया और कई बार और वापस आया, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सका और अपने रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से उन्हें समय लेने और आने के लिए कहता रहा। सयानी को बाद में पता चला कि ऑडिशन देने आया वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शोले स्टार ही थे। जब आवाज के जादूगर ने आनंद देखी तो वो बिग बी की पर्सनैलिटी और आवाज से इम्प्रेस हो गए थे, बिना ये जाने कि वो वही शख्स थे जो ऑडिशन के लिए आए थे। इसका जिक्र करते हुए सयानी ने बताया कि बच्चन एक पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। जब वे 3 बार रेडियो स्टेशन आए थे और उन्हें ऑडिशन के लिए बैठने की भी अनुमति नहीं दी गई थी, ये सुनकर मैं हैरान रह गया। बाद में जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो हमने इस बारे में विस्तार से बात की और इस पर हंसे भी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अमीन सयानी कौन हैं और उनका करियर कैसे शुरू हुआ और वो कैसे मशहूर हुए। दरअसल अमीन सयानी भारत के पॉपुलर अनाउंसर रहे हैं। उनको लोकप्रियता बिना का गीतमाला से मिली थी। ये प्रोग्राम रेडियो सलोन पर आया करता था। उनका बहनों और भाइयों कहने का अंदाज काफी पॉपुलर था। उन्होंने रेडियो पर लगभग 54,000 प्रोग्राम प्रोड्यूस और कंपेयर किए थे। 19,000 स्पॉट या जिंगल में भी उनकी आवाज सुनाई दी थी। अब ये आवाज थम गई है। 91 साल की उम्र में सयानी का निधन हो गया है, जिससे उनके फैंस सकते में हैं। वीडियो डेस्क, जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, डिजिटल।